अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, विटामिन D3 की कमी हो गई है, तब आपको जोड़ों में दर्द बनने लग जाता है, कमर में दर्द बनने लग जाता है, एडल्ट्स में, युवाओं में, वयस्क में रीढ़ की हड्डियाँ झुकने लग जाती है, जिसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और यह जो ऑस्टियोमलेशिया है वह अधिकतम वृद्ध लोगों में होता है, क्योंकि वृद्धावस्था आते आते आपके शरीर में कैल्शियम का लेवल, विटामिन D3 का लेवल कमज़ोर होने लग जाता है। विटामिन D3 के लेवल कमज़ोर होने की वजह से आपकी रीढ़ की हड्डियाँ झुकने लग जाती है, जो ऑस्टियोमलेशिया कहलाती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है, जिसे हम रिकेट्स नाम की बीमारी कहते हैं। बच्चों का विकास रुकने के साथ साथ बच्चे का शरीर काफ़ी कमज़ोर और रूखा हुआ होता है। विटामिन D3 की अगर कमी हो गई है तो किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, आपका उत्साह समाप्त होता हुआ नजर आएगा, आप ज़्यादा भारी काम नहीं कर सकते, बल की कमी हो रही है ऐसा आपको महसूस होएगा। अगर विटामिन सी क्वांटिटी आपकी बॉडी में उपलब्ध है, अवेलेबल है, तब आपको ऐसा महसूस होगा कि आप काफ़ी फुर्तीले और ऊर्जावान हैं। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति 60 साल के बाद भी स्ट्रांग दिखते हैं, मजबूत दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट में विटामिन D3 पर्याप्त मात्रा में होता है, और विटामिन D3 की पर्याप्त मात्रा होने से इंसान बलिष्ठ, हष्टपुष्ट और मजबूत और स्ट्रांग महसूस करता है। विटामिन D3 की कमी होने पर युवावस्था में ही वृद्धावस्था का अनुभव होने लग जाता है, अर्थात कि एक युवा व्यक्ति भी विटामिन D3 की कमी की वजह से अपने आप को वृद्ध महसूस करने लग जाता है। अगर आप में विटामिन D3 की कमी हो गई है, तब मैं यहाँ आपको कुछ साधारण से उपाय और आहार बता रहा हूँ। आप इन डाइट का फॉलो करके, इन आहार का फॉलो करके अपने शरीर से कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं, विटामिन D3 की कमी को दूर कर सकते हैं। वैसे विटामिन डी को रासायनिक रूप से कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, विटामिन D3 की कमी हो गई है, तब ऐसी स्थिति में आपको दूध, एक गिलास दूध में लगभग 5 खारक, जिसे हम छुहारा कहते हैं, एक गिलास दूध में 5 छुहारा को उबाल करके उस दूध और छुहारा को आपको खा लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तब आपके शरीर से कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, विटामिन D3 की कमी दूर हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तब आपको अपने आहार में, अपने भोजन में पनीर का सेवन करना है, पनीर में भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप पनीर नहीं ले सक रहे तब आप देसी घी खा करके भी, देसी घी से भी आपको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, और आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो रही है वह पूरी हो जाती है, क्योंकि विटामिन D3 हमारे शरीर में कैल्शियम के निर्माण को उत्तेजित करती, अर्थात विटामिन D3 की सहायता से हमारे शरीर में कैल्शियम का निर्माण होता है, जिससे हमारी अस्थियां, हमारी बोन्स मजबूत रहती है, हमारी हड्डियां स्ट्रांग रहती है। अब आपने देखा होगा कुछ लोग न दूध का सेवन करते हैं, न छुहारा का सेवन करते हैं, न घी का सेवन करते हैं, लेकिन तब भी उनका शरीर फिट और तंदुरुस्त रहता है, मजबूत रहता है, बलिष्ठ रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ सब्जियां, हरी सब्जियों में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन D3 पाया जाता है, जिससे हमारी कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। गाजर में भी विटामिन D3 पाया जाता है, अतः आप गाजर का सेवन करके भी विटामिन D3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज तरीके से अपने शरीर में विटामिन D3 की कमी पूरा करना चाहते हैं, कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप अंडे का सेवन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप अगर कोई व्यक्ति अंडे खाना चाहता है तब उसे एक दिन में 1 से लेकर के अधिकतम 4 अंडे तक लेना चाहिए। 4 अंडे से अधिक अंडे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर में कोई किसी भी आहार को उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए जितना कि हमारा शरीर उसे डाइजेस्ट कर सके। अगर हम अधिक मात्रा में अंडे का सेवन कर लेंगे तब हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है और हमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः किसी भी चीज़ को संतुलित मात्रा में हमें लेना चाहिए। अंडे खा करके आप अपने शरीर की कैल्शियम एफिशिएंसी को हुई है उसे एफिशिएंसी में बदल सकते हैं, अर्थात आप कैल्शियम को पर्याप्त मात्रा में ग्रो करवा सकते हैं अगर आप अंडे खाते हैं।
संभव आप देसी अंडे का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ मांस, मांस में भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। आप मीट खा करके भी कैल्शियम को डेवलप कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉन वेज, अगर आप मांसाहारी है तब आप मांस खा करके भी कैल्शियम को अपने शरीर में ला सकते हैं, कैल्शियम की कमी को आप दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मछलियाँ खा करके भी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग अपने शरीर में कैल्शियम के विकास को बढ़ा सकते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी को रोक सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन D3 के निर्माण के लिए सूर्य की धूप अर्थात की सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। अतः आपको अगर विटामिन D3 की कमी है तब आपको सूर्य के प्रकाश में कम से कम दिन भर में 10 से 20 मिनट सुबह की धूप आपको निश्चित ही लेना चाहिए। अगर आप सुबह की धूप लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, सुबह अगर आप सूर्य की रोशनी ग्रहण करते हैं तब आपके शरीर में विटामिन D3 पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है, और अगर विटामिन D3 पर्याप्त मात्रा में है तब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। थैंक यू।